प्यारे बच्चों स्वागत है आपका इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर कोड 184 एटी फोर सी बी एस ई क्लास टेन के नेक्स्ट लेक्चर में और आज हम नई पोएम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस अ टाइगर इन द ज़ू जैसे आपको टाइटल बता ही रहा है हम एक ऐसे टाइगर की बात करने वाले हैं जो कि जू में है एक केज में है पिंजरे के पीछे है जिसकी खुद की कोई पावर को वो यूज नहीं कर सकता है और वो बाउंड है एक केज के पीछे ठीक है सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे लेस्ली नॉरिस जो है वो बहुत फेमस है अपने पोएम्स के लिए और अपने शॉर्ट स्टोरीज के लिए और उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस भी जीते हैं लिटरेरी वर्क के लिए ठीक है अब हम टाइटल से शुरुआत करते हैं अ टाइगर इन द जू एक एक टाइगर जो जू में है इसके बाद हम उस टाइगर की बात करेंगे जो जंगल में है तो हम उनका कंपैरिजन करने वाले हैं कि वो टाइगर जो जू में है और जो वो टाइगर जो जंगल में है दूसरी बात यहाँ पे जो पोएट है वो टाइगर को ही कह के रेफर कर रहा है आपको पता है कि इंग्लिश में हम एनिमल्स के लिए इट यूज करते हैं लेकिन पोएट हमसे ये चाहता है कि हम इस टाइगर के प्लाइट को समझे इस प्लाइट के इस टाइगर के दुख को समझे कि केज के पीछे रहना कितना कितना दुखदाई होता है इसलिए पोएट हर जगह टाइगर को ही यूज कर रहा है और मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें पोएटिक डिवाइसेस बहुत ध्यान से करने हैं क्योंकि एग्जाम में वो बहुत आते हैं तो अगर अगर पोएट जो है वो टाइगर को ही रेफर कर रहा है इसका मतलब वो क्या कर रहा है वो टाइगर को पर्सन की क्वालिटीज दे रहा है इसलिए वो पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहा है ठीक है तो जहां भी टाइगर के लिए ही आता है वहां पे आप समझ लीजिए कि है ठीक है चलिए ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है उसके बाद हम वोकैबरी वर्ड पे आते हैं कुछ मीनिंग्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाना तभी आप पोएम को समझ पाएंगे उसको उसके इंटरेस्ट में आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने के लिए पहला है स्टॉक स्टॉक मतलब है चलना विविड बहुत चमकीले को बोलते हैं हम ये विविड है हमारी टाइगर की जो है ना वो विविड स्ट्राइप्स हैं चमकीले स्ट्राइप्स हैं जो उसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स होती हैं उसको हम चमकीला बोल रहे हैं यहाँ पे लर्किंग गुप्त रह के किसी को अटैक करना कहीं पे जब एनिमल छुप जाता है ग्रासेस के पीछे किसी चीज के पीछे अटैक करने के लिए किसी और एनिमल को उसको हम कहते हैं ही इज प्लम्प मतलब फैट मोटा स्लानिंग मतलब इज अ काइंड ऑफ वॉइस गरजना रोरिंग करना आवाज निकालना ग्राउल करना ये सारी वॉइस है तो स्नार्लिंग का मतलब किससे होता है आवाज से होता है जो टाइगर की आवाज है रोर करने वाली गरजने वाली बेरेंग, बेरेंग मतलब मतलब खुला खुला हुआ खुड़ा हुआ का क्या मतलब है यहां पे बैरिंग बैरिंग बोलते हैं ना कि ही किंग बेर फुटेड बिना चप्पल के घूम रहा है तो बेरिंग मीन्स विदाउट समथिंग तो यहाँ पे बेरिंग का क्या मीनिंग होगा मैं आपको पोएम में समझाऊंगी पोएम की लाइन के साथ टेरराइजिंग मतलब किसी को डराना किसी को स्केर करना किसी को आतंकित करना नेक्स्ट इज कंक्रीट जिस जिस हम जो किसी घर को बनाने के लिए ईट पत्थर आदि को जोड़ने के लिए जो हम लगाते हैं सीमेंट जिसको हम बोलते हैं उसको हम कंक्रीट भी बोल सकते हैं तो कोई भी मटेरियल जिससे हम वॉल बना रहे हैं उसको हम कंक्रीट बोलते हैं कंक्रीट मटेरियल विल बी यूज्ड देयर पेट्रोलिंग एक होता है पेट्रोल जो हम गाड़ी में डलवाते हैं जो व्हीकल्स में डलवाते हैं वो वाला पेट्रोल नहीं है वो यह है पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग मतलब एक कुछ गश्त जैसे कई कह, बार रात को पुलिस की गाड़ियां आती हैं वो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं जो देखते हैं कि हमारी कॉलोनी में हमारी लोकैलिटी में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ठीक है अब अब देखते हैं पोएम से इन वर्ड्स का क्या रेफरेंस है स्लोली एंड स्टेडली हम दोबारे इसके मीनिंग को जानेंगे जब हम पोएम की लाइन पे आएंगे अब मैं फर्स्ट आंसर शुरू कर रही हूँ बेटे यहाँ पे फर्स्ट लाइन से

स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप स्टॉक मतलब वो चल रहा है अपने विविड मतलब ब्राइट कलर के स्ट्राइप्स के साथ आपको दिख रहा होगा टाइगर की बॉडी पे जो ये स्ट्राइप्स बने हुए हैं जो स्ट्राइप्स बने हुए हैं इसको बोलते हैं स्ट्राइप्स ठीक है तो विविड मतलब बहुत ब्राइट स्ट्राइप्स हैं इसकी बॉडी पे स्टॉक ही इज वॉकिंग कहाँ पे वो वॉक कर रहा है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज अपने केज में ही वो वॉक कर रहा है जितना भी जगह है क्योंकि वो वो फ्यू ही स्टेप्स ले सकता है क्योंकि वो फॉरेस्ट में नहीं है वो जंगल में नहीं है ही कैन ओनली टेक फ्यू स्टेप्स

आई एम जस्ट राइटिंग टू मेक इट क्लियर इज यूजिंग मेथड फॉर हेयर एम ई टी ए पी एच ओ आर ठीक है वैसे मैं बाद में भी आपको बताऊंगी साइड बाय साइड आई एम टेलिंग यू ठीक है फाइन तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स वो मूव कर रहा है अपने ब्राइट स्ट्राइप्स के साथ फ्यू स्टेप्स ही ले पा रहा है केज के उसके जो पॉज है वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट है और वो क्वाइट है वो शांत है ही इज नॉट रोरिंग एट एनीबॉडी ठीक है? है है है, और मतलब मतलब होता है anger, quiet मतलब होता है silent. वो angry तो है, लेकिन उसने अपने एंगर को साइलेंट किया हुआ है अब आप देखो बेटा ये दो जो वर्ड है ठीक एक, एक है? Quiet, जो होता है साइलेंट एक वर्ड है रेज ये होता है एंगर अब ये दो वर्ड हो गए जो ऑपोजिट है मीनिंग में नहीं हो गए क्वाइट मतलब बिल्कुल शांत हो जाना गुस्सा मतलब तो ऐसे वाले को हम क्या कहते हैं हम इसको बोलते हैं ऑग्जी

ठीक है अब हम इसके आ, राइम स्कीम देखें जरा स्ट्राइप्स अब आप देखो स्ट्राइप्स किससे कर रहा है यहाँ पे किसी से भी नहीं कर रहा है है ठीक तो इसको हम ए देते, देते हैं A, A, को को हम हम देते देते हैं हैं नया आ गया है तो इसको हम B देते हैं, ये सी है quiet, अब ये जो है वो बी से राइम कर रहा है तो इसकी राइम स्कीम क्या बन गई ए बी सी बी क्योंकि सेकंड लाइन फोर्थ लाइन से राइम कर रही है ठीक है चलिए आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट आंसर द नेक्स्ट एंसर से ही शुड बी लर्किंग इन shadow. अब ये जो टाइगर है ये फॉरेस्ट वाला टाइगर है हम वहां पहुंच गए कई बार एग्जाम में ये भी आता है आपको लाइन दे देते हैं आपसे पूछ देते हैं कि ये वाला टाइगर कहाँ पे है ठीक है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो अब वो क्या वो क्या करना चाहिए वो लर्क लर्क मतलब उसको छुप जंगल में अगर वो है तो उसको छुप के दूसरे एनिमल्स पे वार करना चाहिए तो ही शुड बी लर्किंग होना किसी हिडन जगह पे छुपा होना अब वो कहां पे छुपा हुआ शेडो में छुपा हुआ किसके शेडो में छुपा हुआ है स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास स्लाइडिंग का मतलब है बहुत ही धीरे धीरे चलने को हम स्लाइडिंग कहते हैं जिससे आपकी आवाज आपके जिसको आप कैच करने वाले हो उसके पास ना पहुंचे टाइगर जो है वो स्लाइड कर रहा है किसके पीछे स्लाइड कर रहा है

नियर द वॉटर होल आपको वॉटर होल का मतलब है कोई भी वॉटर बॉडी ठीक है जहां पे पानी होता है फॉरेस्ट में उसको हम बोलते हैं वॉटर होल है तो आपको पता है है सारे एनिमल्स को वाटर होल के पास आना पड़ता है अपनी अपने तो वो एक कहाँ पे छुपा हुआ है लॉन्ग ग्रास जो एक वाटर बॉडी के पास है क्योंकि उसे पता है यहीं से ही सारे डियर क्रॉस करेंगे यहीं से ही सारे एनिमल क्रॉस करेंगे और वो उस प्लम्प डियर को प्लम्प मतलब उस फैट डियर को ही कैन अटैक एंड ही कैन एंजॉय ईटिंग इट वो से, वहां से पकड़ पाएगा और खा पाएगा जब वो वहां से पास करेगा, ठीक है तो वो कहाँ छुपा हुआ है लॉन्ग ग्रासेस के पीछे किसके पास वाटर होल के पास जब भी कोई फैट डियर वहां से क्रॉस करेगा पास करेगा तो वो उसको अटैक करके उसको किल करके खा जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ आ गए हम ही शुड बी स्नारिंग राउंड हाउसेज अभी भी देखो वो कहाँ पे है वो फॉरेस्ट में ये वाला इस वाले पैराग्राफ में भी इस वाले स्टैंडर में भी वो फॉरेस्ट में ही है उसे क्या करना चाहिए उसको स्नार करना चाहिए स्लाल मैंने आपको मतलब बताया था उसको ग्राउल करना चाहिए जी आर ओ डब्ल्यू एल ग्राउल मतलब रोर आवाज निकालनी चाहिए अराउंड हाउसेज अब क्या है फॉरेस्ट के आसपास जो घर बने हुए होते हैं तो क्या करते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो वहां चले जाते हैं और लोगों को वहां डराते हैं उनको अटैक करने के लिए और माइड भी होता अटैक करके वहां से भी खाना ले लेते हैं वहां पे किसी को मार के वहां पे भी उसको मतलब खा लेते हैं ठीक है तो उसको जब वो फॉरेस्ट में तो उसे क्या करना चाहिए उसको ग्राउल करना चाहिए हाउसेस के अराउंड कहाँ पे है हाउसेस जंगल की एज पे है जंगल के कॉर्नर्स पे है बेयरिंग इज वाइट फैंस मैंने आपको बताया था बेयरिंग मतलब खुला हुआ अब आप इस पिक्चर में देखिए इसके जो टीथ हैं वो दिखा रहा है उसको दिखा के वो डरा रहा है मतलब होता है ये टीथ ये जो टूथ है ना इसके इसको हम बोलते हैं फैंग्स तो वो क्या कर रहा है अपने उसने दांत खोले हुए हैं बैर करे हुए खुले हुए उसका मुंह खुला हुआ है फैंग को दिखा रहा है और अपने क्लॉज को अपने पंजों को भी दिखा रहा है क्यों दिखा रहा है वो टेरराइज करना चाहता है टेरराइज का मतलब क्या होता है ही ही टू टू स्केयर द विलेजर्स वो उन विलेजर्स को डराना चाहता है ठीक है तो दोबारे देख लेते हैं इसको he should be अगर वो forest में है तो उसको करना चाहिए houses के पास कहाँ पे है houses जंगल की एज पे है और उसे क्या करना चाहिए अपने व्हाइट टीथ और अपने क्लॉस को दिखाना चाहिए उसको और लोगों को टेरराइज करना चाहिए वो कह रहे कि अगर ये अगर ये टाइगर फॉरेस्ट में होता तो वो ये सब कर रहा होता ठीक है बट अभी क्या प्रॉब्लम है वो केज में है और बार्स के पीछे है चलिए आगे आ, आ जाइए बट लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है प्लाइट क्या है टाइगर का प्लाइट मतलब उसका दुख क्या है उसका दुख ये है कि वो कंक्रीट सेल में है सेल मतलब प्रिजन जेल में होना कंक्रीट मतलब मैंने बताया था कंक्रीट वो मटेरियल है जिससे वॉल्स या घर बनाए जाते हैं तो वो कौन सी जेल में है ऐसी जेल में है जहाँ पे जो है दीवारें जो है दीवारें बनी हुई है तो कंक्रीट की सेल में कंक्रीट की प्रिजन में वो लॉक है वो बंद है वो कुछ नहीं कर सकता हे स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स और उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो भी बार्स बार्स क्या होते हैं जो ये रॉज लगी हुई होती है उसको हम बार्स बोलते हैं ठीक है तो वो बार्स के पीछे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वो छुपी हुई है वो फंसी हुई है ठीक है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ इज केज अब स्टॉक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्टॉक मतलब होता है वॉक करना तो वो क्या करता है बस इस केज के पीछे जितनी भी जगह है उसी पे ही वॉक करता है ही इज जस्ट स्टॉकिंग जस्ट वॉकिंग

सेल में एक प्रिज़न में जो कंक्रीट की बनी हुई है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बार्स के पीछे कैद है वो, वो क्या कर रहा है बस वो लेंथ ऑफ द केज केज के लेंथ में वो स्टॉक कर रहा है वॉक कर रहा है और वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है आगे चलते हैं

अपने केज में ही होता है तो उसको लास्ट वाइज किसकी आती है पेट्रोलिंग पास की जो वहां पे गस्त लगाने आए हैं और वो क्या करता है ही स्टेयर. स्टेयर मतलब होता है किसी की तरफ कंटिन्यूअसली देखते रहना लगातार उसको हम बोलते हैं घूरना तो वो क्या घूर रहा है अपनी ब्रिलियंट आई से ब्रिलियंट स्टार्स को देखो बेटा वो बाहर आना चाहता है वो फ्रीडम की लाइफ एंजॉय करना चाहता है लेकिन जो उसकी फ्रीडम है वो अंदर बंद है तो वो अंदर से सिर्फ क्या ही दे सकता है देख सकता है जो सबसे दूर है वो स्टार्स को देख सकता है तो वो उसको ऐसा लगता है कि शायद किसी दिन वो भी फ्री होगा किसी दिन वो भी फ्रीडम की लाइफ जिएगा और बहुत ब्रिलियंट का मतलब ये भी है किसी एनिमल की अगर आपने आंखें नाइट में देखी होंगी डार्कनेस में देखी होंगी तो वो शाइन करती है तो वो अपनी ब्रिलियंट आई से ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है और उसके पास और कोई चारा ही नहीं करने के लिए ही नथिंग एल्स टू डू इज ओनली डूइंग दिस समझ आ गया आपको तो इस लाइन लास्ट कोई और पढ़ लीजिए ही हियर्स लास्ट वो किसकी हियर करता है पेट्रोलिंग कार्स की वो स्टेयर करता है अपने ब्रिलियंट आई से ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ ठीक है सो दिस इज ऑल द लास्ट एंसर अबाउट नाउ यू नो दैट हम कुछ अपोरिक डिवाइसेस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता दिया था क्योंकि टाइगर को पोएट ही रेफर कर रहा है मेटाफोर भी मैंने बताया था कि जो उसके क्लॉज हैं उसकी सॉफ्टनेस सॉफ्टनेस को हमने वेलवेट की से कंपेयर किया है तो ये मेटाफोर है assonance क्या होता है जब किसी वॉवल आपको पता है ए ई आई ओ यू ये एवल है अगर कोई भी एक वॉवल की साउंड बहुत ज्यादा आ रही होती है किसी फ्रेज में किसी लाइन में वहां पे एसन होता है आप इसमें देखिए इन हिज विविड स्ट्राइप्स पे आई वॉवल बहुत ज्यादा हमें सुनाई दे रहा है आवाज में तो यहाँ पे एस है ऑग्जी मैंने आपको बताया था कि क्वाइट का मतलब होता है शांत रेज का मतलब होता है गुस्सा तो दो ऑपोजिट वर्ड जब कंबाइन करते हैं तो वहां पे ऑग्जिमरॉन होता है ठीक है अब मैं नेक्स्ट पे आती हूँ नेक्स्ट इज एंजैबमेंट एंजैबमेंट क्या होती है आपको मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लासेस में जब हम एक लाइन को दो तीन लाइन में लिखते हैं जैसे एक ही लाइन को जैसे स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ वाला पैराग्राफ जिससे आपको क्लियर हो जाए

फिर एक आता है ओनोमोटोपिया ये ओनोमोटोपिया आपके लिए शायद नया है ओनोमोटोपिया क्या होता है बहुत सिंपल है इसको फाइंड आउट करना जहां कहीं भी कोई साउंड का वर्ड हो स्नार्लिंग का मतलब है ग्राउल करना रोर करना गरजना ठीक है तो यहाँ पे क्या है जब ऐसे कोई वर्ड हो जिसका मतलब साउंड है वहां पे ओनोमोटोपिया होता है अगर किसी लाइन में आ गया तो टाइगर इज रोरिंग रोर अगर वर्ड आके तो वहां पे क्या है ओनोमोटोपिया है तो जहां पे भी एक वर्ड जिसका मतलब कोई साउंड होता है वो ओनोमोटोपिया होता है जिससे कोई साउंड प्रोड्यूस होती है जिससे कोई साउंड हमें समझ आती है जैसे है है ये एक वॉइस साउंड के लिए ठीक है तो सॉरी एक, तो एक वर्ड है साउंड के लिए तो यहाँ पे ओनोमोटोपिया जहां पे भी आपको एक साउंडिंग वर्ड दिखता है वो ओनोमोटोपिया का एग्जाम्पल है ठीक है ये मैंने एट प्रोमिनेंट निकाले थे इसके अंदर से अब हम कुछ एमसीक्यू करेंगे पहला है हाउ डज दाइगर रियक्ट टू दिजिटर वो टाइगर जो केज के पीछे है वो विजिटर्स नजरिया होता है उनको देखने का ही इग्नोर इग्नोर करता है साथ देखता है उनको सैड फेस के साथ देखता है या उसको प्राउड से देखता है कि वो उनको इग्नोर करता है इज द करेक्ट आंसर बाइ इग्नोरिंग विजिटर्स वोट ट्राइंग टू से पोइट क्या कहना चाहता है कि वो विजिटर्स को इग्नोर क्यों कर रहा है क्या रीजन है टाइगर विजिटर्स की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है टाइगर नोज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड टाइगर को पता है उसकी पावर बंद है केज के पीछे इज नो यूज यूज ऑफ शेइंग शोइंग उसे गुस्सा गुस्सा मतलब दिखाने का कोई कोई use ही नहीं है क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज उसके अंदर कोई टेरर नहीं बचा है वो किसी को डरा नहीं सकता क्योंकि वो केज के पीछे है या ऑल दी अब तो आपको क्या लगता है एबीसी तीनों आंसर सही है ना इसलिए यहाँ पे हमें आएगा ऑल दी जो जंगल में है लॉक बिहाइंड होती है बार्स बार्स तो केज में, में लगी हुई होती है इग्नोरिंग विजिटर्स विजिटर्स भी जू में आते हैं

और पी आर ए वाय प्रे क्या होता है प्रे वो होता है जिसको हम अटैक करने वाले हैं उसको बोलते हैं प्रे तो यहाँ पे डियर जो है वो प्रे है दोबारा से बोल देती हूँ प्रिडेटर एक होता है जो हंट करने आए तो यहाँ पे टाइगर प्रिडेटर है और प्रे यहाँ पे डियर है ठीक है तो अब ये स्लाइड क्यों करना है उसको क्योंकि क्यों करना है स्लाइड स्लाइड में बहुत स्लोली क्यों चलना है जैसे उसकी आवाज जो है वो डियर सुन ना पाए ठीक है तो इसका आंसर जो होगा वो ए पार्ट ही होगा ठीक है चलिए आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन आप ये दोबारा कर सकते हैं बेटा आप दोबारा कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में मुझे दोबारा पूछ सकते हैं व्हिच फैक्ट डस नॉट कनेक्ट विद द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉटर होल फॉर द टाइगर कौन सा फैक्ट इसमें से सही है जो ये बताता है कि वाटर बॉडी का कोई कोई इंपॉर्टेंस नहीं है नहीं है बताता है मेनी टाइगर चेस प्रे इनटू द वाटर एंड होल्ड्स द विक्टिम्स हेड अंडर वाटर अनटिल इट ड्रंक्स प्रे कम्स टू वॉटर होल

प्रे कम्स टू वॉटर होल प्रे है, वो उसको कर सकता है. ही खाना चाहिए जिसमें इसका पानी से पेट भरा हुआ हो चेजिंग द्रे फ्रॉम शेलो टू डीप वॉटर विदाइगर ग्रावजेट ऐसे प्रे को चेस करना शेलो मतलब जो पानी गहरा नहीं है जहाँ जहां ज्यादा पानी गहरा नहीं वहां से टाइगर वहां से किसी एनिमल को पकड़ना और डीप वाटर तक उसको ले जाना और टाइगर उसको पकड़ के खा जाए तो उसमें नहीं है पूछ रहा है तो इसका सी पार्ट जो है बिल्कुल सही है इसमें ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो पानी पिएगा पानी पीने से कोई एनिमल अगर किसी ऐसे एनिमल को टाइगर ने खाया जिसने पानी पिया हुआ है तो उसको फायदा होगा ऐसा कोई फैक्ट नहीं है ठीक है वन थर्ड

किसी को अटैक करने के लिए थर्ड है बताया कि हमें, से बचने, हम, हमें dangers likely, हमारे खराब हो जाएगा तो डेंजर्स लाइकली ये जो डेंजर ऐसा डेंजर है जो हमारे केस को खराब कर देगा द गेस्ट डांसिंग जो गेस्ट थे वो डांस कर रहे थे रूम में और इंजॉय कर रहे थे तो उसमें बी पार्ट सही हैना है वाला क्योंकि हैना जो है वो डेंट में इसलिए छुपा हुआ है क्योंकि वो और एनिमल्स को अटैक कर सके

बहुत ज्यादा ग्रीनरी वहां पे नहीं है लॉन्ग ग्रास नहीं तो वॉटर होल नहीं डियर नहीं लर्किंग इन शेडो सो करेक्ट आंसर एक मिनट ठीक है? नेक्स्ट दैट इज दैट इज इट फॉर But if यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट मी इन द comment बॉक्स आई will डेफिनेटली गेट बैक टू इट एनिमल्स की तरह है वो भी केज में रहना पसंद नहीं करते हैं उनको भी फ्रीडम और लिबर्टी चाहिए लाइफ में ठीक है थैंक यू स्टूडेंट अगर आपको कोई भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं थैंक यू